इस लेसन में हम आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन सीखेंगे। आइंस्टाइन ने क्या कहा, एनर्जी लाइट बीम में ट्रैवल करता है कंसेंट्रेटेड बंडल्स में, ये एक बंडल ऑफ एनर्जी है, इसको फोटोन बोलते हैं, ये दूसरा बंडल ऑफ एनर्जी है, ये तीसरा बंडल ऑफ एनर्जी है, ऐसे लाइट बीम में एनर्जी है। ये एनर्जी जब एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो इलेक्ट्रॉन पूरा एनर्जी ले लेता है, जो भी एक बंडल ऑफ एनर्जी का है वो पूरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है, और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन दो काम के लिए यूज़ करता है, एक वर्क फंक्शन के लिए और दूसरा टू गेन के मैक्स। सो एक एनर्जी है, ये फोटोन है, एक पार्टिकल ऑफ लाइट है, इसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गया, ये क्या काम करेगा उससे, एक बेस्ट केस में उसको के मैक्स मिलेगा, जब सिर्फ वर्क फंक्शन के लिए एनर्जी वेस्ट हो रहा है तब उसको के मैक्स मिलेगा, नहीं तो एनर्जी कैन बी एनीथिंग फ्रॉम जीरो टू के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन। ये बेस्ट केस में, अगर और कुछ एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्व किया, एक फोटोन को एब्जॉर्व किया, उसका एनर्जी इट यूज फॉर वर्क फंक्शन एंड के मैक्स। ये रिमेंबर रखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन रेंज फ्रॉम जीरो टू के मैक्स, मिनिमम एनर्जी जीरो हो सकता है, अगर मटेरियल के अंदर कहीं पे इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी मिला, वो बाहर तक सरफेस में आते आते सब एनर्जी वेस्ट हो गया, सो उसका एनर्जी जीरो होगा, पर मैक्सिमम एनर्जी के मैक्स है, ये एनर्जी कंजर्वेशन है, राइट। एनर्जी ऑफ फोटोन, ये फोटोन को पूरा अब्सॉर्व करेगा इलेक्ट्रॉन, और पार्ट ऑफ दैट एनर्जी विल बी यूज फॉर ओवरकमिंग वर्क फंक्शन एंड रिमेनिंग एनर्जी विल बिकम के मैक्स इन द बेस्ट केस। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एच इंटू एफ, राइट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी। ये एनर्जी ऑफ फोटोन एक पार्टिकल ऑफ लाइट का, राइट, ये होगा के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन। सो के मैक्स क्या होगा, के मैक्स विल बिकम इक्वल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। ये है आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, और इसी इक्वेशन के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला। रिमेंबर, आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज फॉर एक्सप्लेनिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक ही बार नोबेल प्राइज मिला आइंस्टाइन को 1921 में, एंड वो किस लिए, फॉर एक्सप्लेनिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक पार्टिकल ऑफ लाइट आया, उसको बोलते हैं फोटोन, इलेक्ट्रॉन ये पूरा फोटोन अब्सॉर्व करेगा, पार्ट ऑफ दैट एनर्जी विल बी यूज टू ओवरकम वर्क फंक्शन, और बचा जो एनर्जी वो के मैक्स बन सकता है मैक्सिमम बेस्ट केस में, अदरवाइज एनर्जी जीरो से के मैक्स उसके बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ये है आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन जो भी थ्री प्रॉब्लम्स थे वेव थ्योरी के साथ उनको ओवरकम करता है। सो कैसे ये इक्वेशन एक्सप्लेन करता है, पहला पॉइंट हमने देखा था के मैक्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी, राइट, याद है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये किसका मेजर है, के मैक्स, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, राइट। ये इक्वेशन क्लियरली हमें बताता है के मैक्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी, एंड जो परफेक्टली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस का मैच कर रहे हैं, राइट। सो देयरफॉर ये पहला इक्वेशन, पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, के मैक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, नॉट इंटेंसिटी, जो हमने पहले ऑब्जर्व किया था, राइट। हमने ये भी सीखा है सैचुरेशन करंट ये किसका मेजर है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन से, राइट, के मैक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है नॉट इंटेंसिटी, वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ मैच कर रहा है, वो इक्वेशन भी हमें बता रहा है। दूसरा पॉइंट क्या था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है,
इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकलना है उसकी एनर्जी जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, राइट, काइनेटिक एनर्जी जीरो से कम नहीं हो सकता है. सो के मैक्स मस्ट बी मोर देन इक्वल टू जीरो, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, राइट. यहाँ पे के मैक्स क्या है, एच एफ माइनस वर्क फंक्शन, सो ये जीरो से ज़्यादा होना चाहिए. सो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मोर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन बाई एच, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो ये इक्वेशन हमें क्लियरली बताता है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर फ्रीक्वेंसी शुड बी मोर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अगर एफ लेस देन एफ जीरो है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, राइट. इफ एफ इज लेस देन एफ जीरो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. ये भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से मैच कर रहा है, राइट. फ्रीक्वेंसी लेस देन एफ जीरो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है. फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर फ्रीक्वेंसी मस्ट बी मोर देन इक्वल टू एफ जीरो. तीसरा क्या प्रॉब्लम था, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली निकलते हैं, कोई भी टाइम लैग नहीं होता है, राइट. ऐसा कैसे हो रहा है, अभी एनर्जी एक बंडल में आ रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अभी इलेक्ट्रॉन पूरा फोटोन को एक साथ ऑब्जर्व कर सकता है, राइट. सो इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली उसको एनर्जी मिल गया बाहर जाने के लिए, ऐसा नहीं कंटिन्यूसली एनर्जी गिर रहा है, राइट. एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को इमीडिएटली मिल रहा है, वो पूरा फोटोन को ऑब्जर्व कर ले रहा है, सो इमीडिएटली वो बाहर निकल सकता है, राइट. इसको समझने के लिए वी कैन अंडरस्टैंड लाइक अगर एक लड्डू खा रहे हो सो लड्डू को पूरा इमीडिएटली खा सकते हो, राइट. पूरा एनर्जी मिल जाएगा लड्डू खा के. अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स खा रहे हो तो उसको टाइम लगता है टू गेट रिक्वायर्ड एनर्जी, वो एक साथ नहीं खा सकते हो. वैसे ही इलेक्ट्रॉन को अभी पूरा बंडल ऑफ एनर्जी मिल गया है, इमीडिएटली वो ऑब्जर्व कर सकता है. पहले एनर्जी कंटिन्यूसली आ रहा था तो इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी मिल रहा था एक टाइम में, इसलिए इसको टाइम लगना चाहिए टू कम आउट. बट अभी इस थियरी के अनुसार उसको बंडल ऑफ एनर्जी मिल रहा है, इमीडिएटली वो निकल जाता है. जैसे अगर एक ट्री है, ये एक ट्री है और ये एक दूसरा ट्री है, सो एक आदमी स्प्रे से इसको वाटर कर रहा है, सो उसको वाटर करने के लिए टाइम लगेगा, राइट. जितना पानी ट्री को चाहिए उसको देने के लिए टाइम लगेगा. और दूसरा आदमी एक बकेट के साथ आता है, वो बकेट में पानी भरा है, सो इमीडिएटली वो उल्टा देता है, सो ट्री को एक ही मोमेंट में इमीडिएटली सफिशेंट पानी मिल जाता है. यही डिफरेंस है वेव थियरी और पार्टिकल थियरी में. वेव थियरी में कंटिन्यूसली एनर्जी आ रहा है, पार्टिकल थियरी में पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन एक पूरा पैकेट को एक टाइम में ऑब्जर्व करता है, सो इसलिए वो इमीडिएटली निकल सकता है. सो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है ई इक्वल टू के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है. जो भी तीन प्रॉब्लम्स से उनका यहाँ पे सोल्यूशन है. पहला है कि के मैक्स डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया वो ये फार्मूला इक्वेशन हमें बताता है. सेकंड, अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है. ये इक्वेशन से भी वही रिजल्ट आता है, एक्सपेरिमेंटली भी वही रिजल्ट आता है. एंड तीसरा, एक बंडल ऑफ एनर्जी आता है इसीलिए इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट इमीडिएटली. आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से हमें दो ग्राफ्स मिलते हैं, अभी वो दो ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, ई इक्वल टू के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन. ई क्या होता है, एच एफ, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, एफ फ्रीक्वेंसी है, ई है के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन. सो के मैक्स क्या होगा, एच एफ माइनस वर्क फंक्शन. अगर के मैक्स वाई एक्सिस में रहेगा, फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस में रहेगा, कैसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट. सो वाई है के मैक्स, एम है एच, दैट इज स्लोप, इसको स्लोप कहते हैं, ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एंड वाई इंटरसेप्ट है माइनस ऑफ वर्क फंक्शन. सो अगर हम ग्राफ बनाएंगे के मैक्स ऑन वाई एक्सिस, फ्रीक्वेंसी ऑन एक्स एक्सिस, सो हमें क्या मिलेगा,
series of parallel lines. इन लाइन का स्लोप क्या होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट. दोनों लाइन पैरेलल है, स्लोप सेम है. और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क फंक्शन. ये कोई पर्टिकुलर मेटल का हो सकता है, ये किसी दूसरे मेटल का वर्क फंक्शन, राइट? सो व्हेन के मैक्स इज प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, वी गेट अ सीरीज ऑफ पैरेलल लाइंस हू स्लोप इज Planck's constant and whose y-intercept is negative of work function, right? K-max frequency के अगर graph बनाएंगे, parallel lines हमें मिलेगा जिसका slope है Planck's constant और y-intercept है minus of work function. Now K-max directly हम लोग lab में measure नहीं करते, हम लोग क्या measure करते हैं? Stopping potential. सो के मैक्स की जगह हम लोग ई वी जीरो लिख सकते हैं. ई होगा एच एफ माइनस वर्क फंक्शन. अभी दोनों को पूरे इक्वेशन को ई से डिवाइड कर देंगे. सो ये होगा एच बाय ई इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन बाय ई. ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट? सो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन वाई एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी ऑन एक्स एक्सिस, तब भी हमें पैरेलल लाइंस मिलेगा, राइट? सेम काइंड ऑफ इक्वेशन, पर इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा एच बाय ई प्लैंक्स कांस्टेंट बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. दोनों का स्लोप सेम होगा, पैरेलल लाइंस है. इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? माइनस वर्क फंक्शन बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. और इसका वाई इंटरसेप्ट माइनस वर्क फंक्शन बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दोनों ग्राफ सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट? एग्जैक्टली सिमिलर है, खाली वाई एक्सिस में डिफरेंट थिंग्स है. व्हेन वी नॉट इज प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, we get a series of parallel lines whose slope is h by e and whose y intercept is work function by e. e is charge of electron. So humne do graph sikhe for Einstein's photoelectric equation. Equation kya hai? K max equal to hf minus work function. K max aur frequency graph mein we get parallel lines jiska slope hai Planck's constant, y intercept hai minus of work function. और स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ग्राफ में अगेन पैरेलल लाइंस मिलते हैं जिनका स्लोप होता है h बाय e, और y इंटरसेप्ट क्या होता है? वर्क फंक्शन बाय e माइनस वर्क फंक्शन बाय e, राइट? ये है आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. ये क्या करता है? लाइट को पार्टिकल लेता है, राइट? के मैक्स इक्वल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन. H is Planck's constant.